चीचो चीच कनेरिया कुछ तेरिया कुछ मेरिया। सत श्री अकाल प्यारे दर्शकों जी आया नो की हाल है भी सारियां दा दिन सोमवार सारे फ्रेश तरो ताजा सैटरडे संडे दो छुट्टियां तो बाद किन्ना वधिया लगदा है ना आई नो पर उन्हां नूं वधिया नहीं लगता जिन्हां नूं काम ते जाना पैंदा है पर जिन्हां नूं अपने आप नूं बिजी रखना बहुत वधिया लगता है उन्हां लई दिन जिहड़ा सोमवार हैगा बहुत वधिया हुंदा है भी टाइम भी बहुत वधिया पास हो जांदा है पर इस दे नाल नाल मैं क्या भी दिन सोमवार हैगा पता तुहानूं सारिआं नूं हैगा भी असीं गेम खेलनी एक वारी फिर जिहड़े घर बैठे साडे दर्शक ने उहनां नूं रिलैक्स कराईए उहनां दे नाल गाणे शाणे गाईए पुरानियां थोड़ियां जिहियां यादां ताज़ियां करिए ते गेम खेल के छोटा जिहा एंटरटेनमेंट जिहड़ा हैगा एक घंटे विच असीं एक दूसरे दा ते बाकी दे कॉलर्स व्यूअर्स दा कर देने आ है ना सो इस दे नाल नाल ही बिकॉज़ ते मैं थोड़ियां लैनियां ही ने ते गेम भी असीं खेलनी हैगी है सोमवार पर थोड़े जे चेंज दे नाल क्योंकि पिछले सोमवार जदों असीं गेम खेली सीगी ते साडे बड़े प्यारे जे कॉलर ने जिन्हां ने भी प्रोग्राम दे विच बाद चो उन्हां दी कॉल आन तो बाद जिहड़ियां कॉल्स आईयां उन्हां ने भी कॉम्प्लीमेंट मिलिया उन्हां नूं उन्हां ने दो गाणे गा के अज ते यानी कि पिछले सोमवार दे शो नूं चार चन्न ला दित्ते सन ते मैं क्या क्यों ना इस बार भी कुछ अजिहा ही कर लईए सो अज एक वारी फिर दवांगी मैं तुहानूं वर्ड्स तुसीं जोड़नियां ने उस दे नाल पंज गल्लां पहलियां जिहड़ियां सब तों पहलां तुहाडे माइंड च आंदियां ने पर इस दे नाल नाल तुसीं उस वर्ड्स ते मिलदे जुलदे गाने भी गा सकदे हो कोई शायरी भी कर सकदे हो जेकर तुहानूं लगदा है कि जेड़ा वर्ड जेड़ा शब्द मैं तुहानूं दित्ता है उस गाने दे विच जाकर तुहाडियां ओह तुकां तुहाडी ओह पोएट्री तुहाडी ओह शायरी दे विच आंदा है ते इस दे नाल ही नंबर तुहाडी सारियां दी स्क्रीन ते हैगा 5168250006 ते मैं दिन्नी आं तुहानूं पहला वर्ड जिस दिन असीं इह प्रोग्राम शुरू कीता सी मतलब गेम खेलन वाला सिलसिला जिहड़ा सी शुरू कीता सी उस दिन सब तों पहला मैं तुहानूं वर्ड दित्ता सी गॉड रब परमात्मा ते उस तों बाद दित्ता सी मां ते अज मैं क्या जे मां दे नाल पिता ना होण इह किवें हो सकदा है ना सो अज दी गेम दा पहला वर्ड जिहड़ा हैगा ओह है पिता बाप सो पंजाबी दे विच बापू भी कहंदे ने केड़ियां पंज गल्लां बापू सुणदे तुहाडे मन च आंदियां ने कोई गाना तुहाडे दिमाग च आंदा होवे कोई पोएट्री जां फिर कुछ तुसी अपने पापा नूं अपने फादर नूं डेडिकेट करना चाहंदे हो ते तुसी अज दी गेम दे थ्रू ओ भी कर सकदे हो ते इस दे नाल नाल ही नंबर तुहाडी सारियां दी स्क्रीन ते 5168250006 ते मैनू भी याद है मैं भी अपनी पंज गल्लां तुहाडे नाल शेयर करनियां ने जेकर मैनू कोई गाना याद आ गया मैं भी तुहाडे सारिआं दे नाल शेयर करना है पर फिलहाल वारी हैगी है मैं तुहाडे नाल गल्लां करदे करदे मैनू भी मेरियां पंज गल्लां याद आ जाणगियां और इस दे नाल इह भी तुहानूं दस्सां भी मैं अपनियां पंज गल्लां पहलां लिख के नहीं लिआंदी कि तुसीं सोचो भी रीत ने तां अपनियां गल्लां पंज पहलां ही लिखियां हुंदियां ने पहलां ही मैच हो जांदियां ने ते फटाफट बोल दिंदी है नहीं जी मैं कुछ नहीं लिखिया हुंदा ते मैं भी राइट अवे जदों तुहानूं हां वर्ड जरूर लिखे हुंदे ने ते जदों मैं तुहानूं वर्ड दिंदी हां उस दे नाल नाल मैं भी थोड़ा जिहा सोचण लग जांदी हां कि किहड़े पंज गल्लां मैं अपनियां जो मेरे दिमाग च आंदियां ने उस वर्ड नूं लैके ओह तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने सो इस दे नाल नाल ही नंबर एक वारी फिर दस दिंदी हां 5168250006 जो कि तुसीं सारे अपनी स्क्रीन ते देख रहे हो कॉल करो ते दसो किहड़ियां पंज गल्लां फादर नूं लैके पिता जी नूं लैके पापा नूं लैके तुहाडे मन विच आंदियां ने कोई उहनां दी डांट फटकार कदी उहनां दा प्यार कोई रखड़ी ते कोई मेले ते लैके जाणा मैनूं ते बहुत कुछ याद आ गया वर्ड सुनदे ही पर अपनियां ते चलो मैं दस दियां रहनियां ने फिल हेल्प लैनी आ प्रोग्राम दी पहली कॉल भाई मैनूं लगदा है तुसीं जदों प्रोग्राम देखदे हो टीवी दा वॉल्यूम इक ते थोड़ा जिहा घट कर दिया करो ते नाल दी नाल इह भी देखिया करो कि जदों तुहाडी कॉल लग जांदी है एनीवेज तुसीं वेख रहे हो कुछ तेरियां कुछ मेरियां दिन सोमवार नूं ते खेल रहे हां असीं इक गेम भाई मैनूं लगदा है इहनां दी लाइन कुछ ज्यादा बिजी जा रही हैगी है ते इस दे नाल जदों मैं शुरुआत करदी हां अपनी गल्लां दी सब तों पहला मैनूं याद आंदी है अपने पापा दी ओह गल जदों हमेशा ऑलवेज ओह मैनूं मोटीवेट करदे सी ओह मैनूं इक हल्ला शेरी जिहनूं असीं कह दिंदे हां ओह दिंदे सी मैं कहिंदी सी पापा मैं इह कम करना है अगों उहनां ने मैनूं पुछदे सी तूं कर लेंगी मैं कई वारी कहिंदी सी हां कर लूंगी नहीं देखदी हां करके उहनां ने कहिंदा नहीं तू कर सकदी है तू करेंगी जा तू कर दिस इज द फर्स्ट पॉइंट और मैनूं लगदा है जदों पेरेंट्स दी हल्लाशेरी पेरेंट्स दी एनकरेजमेंट बच्चियां दे नाल हुंदी है ते बच्चे जिहड़ा काम नहीं भी करना चाहुंदे ओह भी कर जांदे ने सो मैं अगली अपनियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां ने तुहानूं दसदी रहांगी पर इस दे नाल लैनी अगली कॉल
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਾਦਰ ਤੇ ਸੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਟ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੋ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੜੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਖਾਣੇ ਆ ਵੜੇ ਲੈ ਦਿਓ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੜੇ ਲੈ ਦੇਣੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਪ ਆਉਣਾ ਅੰਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀਪਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫੇਮਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰੇ ਹਰੇ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਭੱਜੋ ਵੀ ਰੋਵੇ ਬਾਪੂ ਕੱਲਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮਾਈ ਗਾਡ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਪਾ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਪਾਪਾ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆਈ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਨੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਈ ਆ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਰੀਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੀ ਸੀ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਮਾਈ ਗਾਡ ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਹੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ 31 ਜੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੀਤ ਨਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਟੇਲਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਚਰਚੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ
घर का तोरा तोरन दे दिन रात पिया मरदा है, बाकी का यह सारा टब्बर प्यो सिर ऐसा करता है। अपनिया ये लोड़ां दी खोल पटारी बहंदा नहीं, मां दी ममता दे चर्चे बापू का ना कोई लैंदा नहीं। उंगली फड़ के तुरन सिखावे बच्चियां दा हर चा पुगौंदा, जिंदगी विच बेफिक्री हुंदी जिन्ना चिर तक बापू जिंदा। प्यो दी कीमत पता लगे जद ओह दुनिया ते रहंदा नहीं, मां दी ममता दे चर्चे बापू का ना कोई लैंदा नहीं। मां दियां सिफतां सारे करदे प्यो बारे कोई कहंदा नहीं, मां दी ममता दे चर्चे बापू दा ना कोई लैंदा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत खूब दविंदर जी, तुसीं इस छोटी जी कविता विच बहुत कुछ दस दिता है। फटाफट याद आई ने सांझिया करो, मैं लैनी अगली कॉल। हेलो सत श्रीकाल जी, कौन गल कर रहे हो? मैं बबली बोल रही हूँ। हाँ जी बबली जी, तुसी फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हो ना? हाँ जी की हाल है बबली जी? बस बहुत बढ़िया। हाँ जी दसो फिर की याद आया आज तुहानु? पिता एकदम लाड प्यार। हाँ जी मुंडिया तो ज्यादा बिल्कुल प्यार करना। ओके अच्छी परवरिश देनी। हाँ जी मेलियां पे या किधरे भी लेके जाना, लेके जाते सी बिल्कुल, जे पिकनिक छुट्टियां छोड़नियां ते हिल स्टेशन लेके जाना उन्होंने। ओके और बबली जी कोई गाना तुसी गाने गांदे हो, कोई पोएट्री कोई शायरी कोई दो लाइना तुसी उन्होंने लिए डेडिकेट करना चाहते हो? हाँ डैडी आर्मी च सीगे जिस टाइम जाते सीगे तो फिर सानू हुंदा सी वी जल्दी आ। ओके उस टाइम गाना चलता सी पापा जल्दी आ जाना गुड़ियों के बाजार से, अच्छा क्या चाहे मत लाना पापा जल्दी आ जाना। ओह दैट इज सो नाइस बबली जी, प्लीज इन्हें थोड़ा जा गा के सुनाओ भी, गाने दी लाइना ने गाने च ज्यादा वधिया लगन गिया ना। पापा जल्दी आ जाना गुड़ियों के बाजार से, चाहे गुड़िया मत लाना पापा जल्दी आ जाना। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे, सत श्री अकाल। थैंक यू सत श्री अकाल जी। देखिया जी किन्ना मिठा किन्ना प्यारा सॉन्ग सिगा। सो ऐदा कर दे छोटी जी ब्रेक लैने, मैं होर दो गल्ला अपने पापा दी याद कर लैने, मैनू भी टाइम मिल गया ते तुहानू भी टाइम मिल गया। पर इस दे नाल ही तुसी सारे फेसबुक दा पेज KTKM कुछ देरियां कुछ मेरियां ते गेट पंजाबी USA दा फेसबुक पेज लाइक करो। लैके आनी आ मैं छोटा जिहा ब्रेक। मैं सरबजीत हूं, बाहर कम करके पैसा कमाने के सपने ने मेरा ते मेरे घर दे आदा बेड़ा गर करके रख दिया। एजेंटा ने झूठ सच बोल के मेरे भोलेपन का फायदा चुकया। एको टाइम का खाना देंदे सी, एक बंद जही बस विच सानू 15 मुंडिया नू भर दिता, जिते कि साह लैन लई सिर्फ एक होल सी। जब कुछ घंटिया बाद सानू बस चो बाहर कढ़िया गया ता साह कुटन करके एक मुंडा मर चुका सी। उस दिन एक टाइम मिलन वाला खाना भी मैं नहीं खा सकया। मेरी अखा अगे वो मुंडा ते मेरी माँ दा तुरंत तो पहला वाला चेहरा घूमता रहा। चाय? ये सब तुम शाही पुलाव के लिए कर रहे हो ना? बना दो ना प्लीज। 49 साल से रोज यही तो खा रहे हो? श्री लाल महल है तो 49 साल कट गए, वरना 49 दिन भी काटने मुश्किल होते। जाओ, नहीं बनाती मैं तुम्हारा शाही पुलाव। बना दो ना प्लीज डार्लिंग।
49 के 50 भी तो करने हैं, गोल्डन जुबिली मनानी है ना। खुशबूदार लंबे दाने वाला श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस। दादी वाओ, शाही पुलाव, लगता है इस बार दादाजी अपनी एनिवर्सरी नहीं भूले। क्यों? बिल्कुल नहीं भूला। श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस, खिले खिले दाने, खिले खिले आप। टैक्स राजा, वी आर टैक्स प्लानर्स नॉट जस्ट टैक्स प्रिपेयरर्स। टैक्स राजा को तजुर्बेकार CPAs, टैक्स प्लानर्स अते टैक्स प्रिपेयरर्स हन। असी इंडिविजुअल ते बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, इनकम टैक्स फाइलिंग, बुककीपिंग, पेरोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्री ई फाइल, फ्री टैक्स एडवाइस, फ्री रिव्यू ते IRS रिप्रेजेंटेशन करते हाँ। जल्दी टैक्स फाइल करो अते जल्दी रिफंड पाओ। टैक्सी, लिमोजिन, कंस्ट्रक्शन वीरा लई अते नाल ही नाल सेल्फ एम्प्लॉयड लई स्पेशल प्राइस। वी हैव मल्टीपल लोकेशंस। आज ही कॉल करो 718-880-1992। तजर्बेकार वकीला दी टीम जिन्हां नूं महारत हासिल है इमिग्रेशन इंक्लूडिंग असाइलम, डिपोर्टेशन डिफेंस, फैमिली एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड इमिग्रेशन। एथे हर तरह दे क्रिमिनल केसेस जिवें वायलेशन, टैक्सी लिमोजिन कमीशन दे मामले, रेजिडेंशियल अते कमर्शियल क्लोजिंग, डायवोर्स केसेस, विल अते ट्रस्ट रिलेटेड केसेस भी सॉल्व कीते जांदे ने। क्लाइंट दी सुविधा लई साडियां ब्रांचेस हर मेजर ट्रेन लाइन दे नजदीक हन। AJZE4523। असी वीकेंड अते लेट आर अपॉइंटमेंट भी लैंदे हाँ। असी बोलांगे तुहाडी बोली, कांटेक्ट करन ते तुहानू मिलेगा तुरंत तसल्ली बख्श रिस्पांस। कांटेक्ट करन लई साडे नंबर्स ने 888-824-7227 अते 917-728-0049। दीदी मैं तो भूल ही गई थी, मम्मी ने तेरे लिए असली घी भेजा है और मैंने स्पेशली पैक किया। अच्छा जल्दी आना। क्या कर रही है लक्ष्मी? आई आई, पहले अपनी आंखें बंद करो। दीदी ऐसा घी सिर्फ मम्मी ही बना सकती है, सब लक्ष्मी माँ की कृपा है। लक्ष्मी घी, मेड प्योर, मेड फ्रेश, मेड हेयर। शेर व्हाइट होल व्हीट आटा फाइबर वाला, शेर व्हाइट होल व्हीट आटा फाइबर वाला, हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन और होल ग्रेन काउंसिल से अप्रूव। आपका हाजमा करे बढ़िया, कोलेस्ट्रॉल और वेट कंट्रोल में करे आपकी मदद और हार्ट डिजीज से आपको रखे सुरक्षित। शेर व्हाइट होल व्हीट आटा वाला, शेर आटा घर लाओ।
वेलकम बैक जी, स्वागत है थोड़ा तुहाडे प्रोग्राम कुछ तेरियां कुछ मेरियां। आज असी गेम दे पहले वर्ड दे नाल याद कर रहे अपने फादर नू, उना दे नाल स्पेंड कीते टाइम नू। ब्रेक दे दौरान मैं गल कर रही साडे बड़े ही प्यारे जे कॉलर जेडे काफी टाइम तो गुवाचे हुए सी, पर डों वड़ी वापस आ गए ने, सानू लभ गए ने। सो कॉल लैने ते तुहानू भी दस दी हूं कॉलर केड़े ने। हेलो, सत श्री अकाल मिक्की जी। बहुत अच्छा टॉपिक लेके आयो, पर एक मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दिन एक टॉपिक लेके आना कि हर एक बंदा अपना कोई बैड एक्सपीरियंस शेयर करे। बैड एक्सपीरियंस, ठीक है जी, असे लिख लेता और बहुत जल्दी। ये भी बड़ा जरूरी है कि तुसी फिर अपने वो एक्सपीरियंस तो शेयर कर लेंगे तो तुसी उस ट्रॉमा तो निकल आंदे हो। बिल्कुल, सब अपना अपना, हर एक जिंदगी विच खुशियां भरिया रहन, ऐ साडी अरदास है। पर जरूर ना कोई खुशियां नाल कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस जिंदगी च होए हुंदे ने। बिल्कुल बिल्कुल, सारे शेयर करनगे ते उस ट्रॉमा चो निकल आणगे। बिल्कुल बिल्कुल, और बैड एक्सपीरियंस कुछ अजिहा जिसनू याद, पहली गल ते तुसी करना ही नहीं चाहंदे, और जे कदे गलती नाल तुसी कर लैंदे हो ते अज भी तुसी उसनू याद करके काम उठदे हो, जेडी तुहाडे नाइटमेयर बनी होई है। बिल्कुल, तुसी निकलना चाहंदे हो ते प्लीज सारे शेयर करो, बिल्कुल जरूर लेके आना, और ये बहुत हेल्प करेगा सानू उस चीज चो निकलन च भी। Yes, to heal yourself. Right. हाँ जी, लेके आना है मेरी जरूर जरूर जरूर। अज तुसी जिस तरह फादर दे बारे कह रहे हो ते फादर ते रीजी सेल्फ ही कंप्लीट वर्ड है, मां वाकन फादर भी। बिल्कुल, अपने आप विच एक डिक्शनरी है। हाँ जी, तुसी ओदी किन्नियां भी तुसी ओदी एक्सप्लेनेशन दो, ए इटसेल्फ इट्स अ डिक्शनरी, फादर वर्ड इज अ डिक्शनरी इन इटसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे फादर दा ते मेरी जिंदगी विच रीत बहुत बड़ा रोल है। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर सन, मतलब ही इज रिटायर्ड नाउ, ते बाकी ही वाज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट बाय नेचर, ते बट हुन उस टाइम कई बार औखे भी होंदे सी, थोड़ा जिहा लगदा सी कि ना समझ सी, कच्ची उम्र सी कि क्यों साडे ते इन्नियां रिस्ट्रिक्शन ने, क्यों किसे जान नहीं दिंदे, पर जदों आप पेरेंट्स बनिया ते रियलाइज कीता कि पेरेंट्स दी सोच बड़ी अगे तक हुंदी है बच्चियां नालों, वो बड़ी दूर तक सोचते ने, और जो भी सोचते ने अच्छे वास्ते ही सोचते ने। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे फादर ने, मैं थर्ड फोर्थ विच थी कि मेरे फादर ने एनकरेज किया, मैं डिबेट विच हिस्सा लेना शुरू किया, स्कूल विच शुरू किया, थोड़े थोड़े फंक्शन से बोलना शुरू किया, फिर एनकरेजमेंट मिली, ते मेरे फादर ने मैनू कहा कि अगर तू किसी का लिखिया बोलनी है, लिख के लेके जानी है मेरे को या मम्मी को, तो तू आप कोशिश कर अपने लिखिया बोलो, तो ज्यादा जोर होंदा है, ज्यादा अच्छी तरह तुसी एक्सप्लेन कर सकते हो। बिल्कुल, आज मैं राइटर बनी हाँ, अगर ते मेरे फादर दी एनकरेजमेंट है, पूरा टोटली मेरे फादर दी बैक है इस विच। मिक्की जी, इस दे नाल ते मैं भी यही कहांगी, क्योंकि जदों कर असी कुड़ियां दी गल करदे हां ते बेसिकली जदों साडी फैमिली कह देंदी है कि नहीं तू कुड़ी है, तू करके की करना, साडी जेड़ी सोच आ जांदी है जदों, है ना। नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स क्योंकि दोनों ही पढ़े लिखे ने, बिल्कुल उन्होंने ने कभी डिस्क्रिमिनेशन, मेरा एक ब्रदर है और असी दो सिस्टर्स हां, मेरी दीदी मेरे नाल 9-10 साल वड्डी है, मेरा ब्रदर मेरे नाल 8 साल वड्डा है, ते मैनू ते छोटे होण दी वजह नाल एक चीज फायदा मिला, ज्यादा प्यार मिला, हमेशा ज्यादा लाड लाड रहता है। और मेरे साढ़े घर रीत हसन वाली गल है कि मेरा इतने इंडिया च मुंडिया नाल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कुड़िया नाल हुंदा है कि मुंडे नू प्रेफरेंस दे, कि मेरा ब्रदर रोंदा सी, कहंदा सी मेरी भैणां नाल डिस्क्रिमिनेशन मेरे नाल हुंदा है। मैं भी उही गल कहन लगी सी कि मेरे वास्ते चीज पहले आंदी सी, उन्हां वास्ते बाद चो आंदी सी। मेरे ब्रदर नू हमेशा कंप्लेन आंदी सी कि तुसी मम्मी डैडी तुसी कुड़िया नू ज्यादा, भैणां नू प्यार करदे, भैणां नू कुड़िया नू ज्यादा करदे हो। चलो, वो भी एक हसी मजाक था, एक हसी मजाक दे विच कह लो कि मिठिया मिठिया भैन भरावा दी यादां सी जेड़ियां। रीत, अगर देखो मैं एक जिंदगी शायद तुसी भी रियलाइज कीता हो या ना कीता, मैं छोटी जी गल कहांगी कि छोटिया छोटिया गल्लां वास्ते हमेशा मां याद आंदी है, हाय मां उठदे आ बैंदे आ, कोई पेट इधर उधर हो रही है, हाय मम्मी। पर जिंदगी च कोई वड्डा अगर ट्रामा तुहाडे सामने आया, जिस तरह कोई एक्सीडेंट किसी तो बचे, तो हमेशा हाय बाय ओ माय गॉड, भाई प्यो भाई बाप निकलता है, वो बाप रे बाप। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखो तुसी कंपेयर करो ते वड्डी कोई चीज होएगी ते बाप रे बाप, बाप रे बाप, बिल्कुल मां नहीं निकलता उस टाइम, मां छोटी छोटी गल्लां वास्ते निकलता। ये भी एक जिंदगी दी सच्चाई है, वास्ते ते मैं इन्ना रिगार्ड करनी, और मैं अगर दो लफ्जां च उहनां नूं अगर एक्सप्लेन करना चाहवां ते इंज करांगी कि माय फादर इज अ मैन विद सिल्वर ऑन हिज हेयर एंड गोल्ड इन हिज हार्ट, इन हिज हार्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मिक्की जी, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।
लॉजी एक बार फिर मिकी जी ने सानू किन्ना कुछ दसिया पर अखीर दे विच उन्होंने उस सारी चीज नू रैप अप करके दो लाइना जिहड़ियां साडे नाल सांझियां कीतियां मैनू लगता है साडे सारयां दे फादर ओह जे होणगे। मैं लैनी अगली कॉल। हैलो सत श्रीकाल जी, कौन गल कर रहे हो? मैं परमजीत कौर बोल रही हूँ। हाँ जी परमजीत जी, की साझा करना चाहते हो? हाँ जी, पहले सभी तो मैं एक पूछना है, उस दिन डॉक्टर रानी आई थी जी। हाँ जी, उन्होंने ना फीस पे लोन वास्ते दसिया सीगा मैं ओहो अपना पैनकेक दा हाँ जी टाइम रखना फेस पे जदो ड्राई हो जाए जिदा पैक लाई दे नॉर्मल पैक लगाओ गिला गिला जदो सुख जाएगा उदो मुंह धो लो। बिल्कुल पतला पतला पैक जिहा बना के ना जिदा जिदा पैक नॉर्मल मिलदे हैगे आ ना पाउडर ज्यादा होवे ते ना दही ज्यादा होवे जदों मिक्सअप हो जाए ते उसनु फेस ते लगा लो कि स्टिक हो जाए ओह चिपक जाए फेस नाल फिर। हां जी फिर कॉटन दे नाल हल्का हल्का पानी नाल डिप करके ते उनू रब करके ला दो। ठीक है जी। हां जी हुण अज दे विषय ते गल करिए। हां जी हां जी दसो। हां जी फादर का भी रोल उन्ना ही है जिन्ना मदर दा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जे मदर घर दे अंदर संभाल दी है ते फादर घर दे बाहर दा टेक केयर कर दे है। हां हां फादर करके बाहर हुंदा है जानता दा पर थोड़ा जी या मदर नु ज्यादा अपने क्लोज रखी दा है। हां जी क्योंकि वो सारा दिन साडे नाल हुंदे ने, मदर नाल हुंदे या फादर नाल ही हुंदे। हां जी वैसे मेरे जदो बोर्न हुई सी मैं तो मेरे डैडी नु जो जॉब मिली सी तो मेरे डैडी तो मेरे नाल काफी सो सिल्वर स्पून आ तुसी अपने फादर दे। हां ठीक है। फर्स्ट बेबी सी मैं ते ओदा भी वैसे उहनां नु जो टीचर दी जॉब मिली सी ता बहुत मेनू ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ओके जी सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच। लो जी बहुत सारिया कॉल्स और असि गल्ला भी बहुत सारिया करनिया ने, सो मैं लैनी अगली कॉल। हैलो हैलो सत श्री अकाल जी, थोड़ी कॉल लग गई है, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा जा कट कर दियो। थैंक यू सो मच। चलो जी तुसी प्रोग्राम देखो असि अगली कॉल लैने। हैलो 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 सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, कौन गल कर रहे हो? मैं सुरजीत कौर बोल रही हूं। हां जी सुरजीत जी, की हाल है? हां जी कट दिता हो जी। मैं कह रही मैं पहले वाले कॉलर नु क्या सी पर तुसी टीवी देख रहे हो सो इस करके तुसी भी टीवी ना देखो ते मेरे नाल गल करो। हां जी दसो। हां जी दसो, फादर साहब नु याद करके केड़िया गल्ला याद आईया? असी हां जी असी फादर साहब नु बहुत याद करदे आ। फादर साहब बहुत अच्छे हुंदे, यानी कि मां बाप हुंदे आ। हां जी इस टाइम यानी के बापू बापू कहिंदे सी, बड़े सिखाले रहिंदे सी, बापू अखवाया बड़ा दुख पाया। बापू जी बहुत अच्छे हुंदे आ, मां बाप बहुत अच्छे हुंदे आ। हांजी बहुत अच्छे, बहुत वधिया, थैंक यू सो मच। ओके जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नाले प्रोग्राम देखो ते होर याद करो केड़ियां गल्लां याद आंदियां ने। ठीक है जी, किन्ना कुछ याद आया और किन्ना मजा आ रहा है ना पापा दे नाल रिलेटेड, फादर साहब दे नाल रिलेटेड गाने तुकां लाइना सुनदे हुए। पर हुण वेला हैगा एक छोटे जे ब्रेक दा, तुसी ब्रेक दे दौरान करोगे फेसबुक दा पेज गेट पंजाबी यूएसए KTKM ते कुछ तेरियां कुछ मेरियां लाइक ते मैं लेके आने एक छोटा जा ब्रेक। हाथों की अपनी दास्तां होती है, कभी सृष्टि तो कभी विनाश, ये देखती है कभी ये सहारा तो कभी विश्वास।
सदियों से ये खिलाए पीढ़ियों को निवाला और हर निवाले में हो शक्ति भोग आटा। जब हाथों से खिलानी है दो वक्त की रोटी तो वो जरूर हो शक्ति भोग आटे से बनी, अपने देश का नंबर वन आटा। मिस्टिक ब्रोकरेज तो हाड़िया कार इंश्योरेंस संबंधी जरूरत दा इको एक सॉल्यूशन जो करता है तो हाड़ी बचत ब्लैक कार्ड ग्रीन कार्ड ते लाइब्रेरी विच अपनी इंश्योरेंस तो रिन्यू करवान तो पहला एक बार जरूर मिलो टैक्सी ते लीमोजीन दे स्पेशलिस्ट मेडिलियन स्टेट फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है असी करांगे से तो हाड़ी मनी किसी भी जानकारी ले कॉल करो 718-349-7610 पे कांटेक्ट करो फरवरी 2014 दी इंडिविजुअल मेडिलियन ऑक्शन ले कुनाल ज्वेलर दे गहने वाह पई वाह क्या कहने गहनियां नाल भर ले जाओ घरवाली नु होर बनाओ कुनाल ज्वेलर ते आओ गहनियां नाल सज तज के बागो बाग हो जाओ असी तुहाडी पसंद दे 22 अते 24 कैरेट दे कड़े चेन क्वाइंस डायमंड कट बैंगल्स ऑर्डर ते तैयार करदे हां गहनियां दी रिपेयर भी इत्थे ही करदे हां तुसी अपनी राशि दे बर्थ स्टोन भी खरीद सकते हो इस तो इलावा साडे कोल डायमंड ज्वेलरी दी एक तो वध एक वैरायटी है होर जानकारी लई बिट्टू नू हुणे कॉल करो 718-478-7200 याद रखो कुनाल ज्वेलर 37-08 74 स्ट्रीट जैक्सन हाइट्स न्यूयॉर्क For all your legal matters, including immigration, bankruptcy and credit card problems, divorce and family law, landlord and tenant matters, criminal and personal injury, call Gahee and Associates for a free initial personal consultation at 718-263-5999. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तब हम आपका साथ देंगे. Anytime you have a complex immigration matter, remember, मैं हूँ ना. अंबा ज्वेलर हर किसे दी पहली पसंद वेस्टर्न ते ट्रेडिशनल ज्वेलरी दी वैरायटी दी है परमार हर तरह दी पार्टी वेडिंग ओकेजन ले तोहानू करदा है तैयार नाल ही अवेलेबल हन 24 कैरेट गोल्ड क्वाइंस से स्पेशल गिफ्ट्स अंबा ज्वेलर्स 3713 74th स्ट्रीट जैक्सन हाइट्स न्यूयॉर्क फोन 718-639-2300 अपने देश की सभ्यता अपने ही लोग अपनी मातृभूमि आपके पास लाते हुए अपने देश की हर ग्रोसरी आपका अपना अपना बाजार अपना बाजार कैश एंड कैरी विद लोकेशंस इन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी जसप्रीत सिंह अटॉर्नी एट लॉ For all your immigration matters, asylum cases, deportation, family law, divorce, bankruptcy, entertainment visas, green card, etc., please contact the law offices of Jasprit Singh. With over 15 years of experience, we have handled many critical cases. We have four offices conveniently located in New York, Fremont, Sacramento and Fresno. For free consultation, please contact 718-533-8444, 510-657-6444, 559-271-5511, 916-372-4448. ओबामा केयर अनुसार 2014 दे शुरू तो अमेरिकन्स लई हेल्थ इंश्योरेंस कराना लाजमी कर दिता गया है जेकर तुहानू पहला तो ही कोई हेल्थ इशू है तद भी इंश्योरेंस कंपनी वालों इंश्योरेंस देन लई तुहानू मना नहीं किया जाएगा पंजाब इंश्योरेंस दे सर्टिफाइड एडवाइजर तुहानू सही अते वधिया प्लान लैण च पूरी मदद करनगे जिसकी कोई फीस नहीं होगी ओबामा केयर विच एनरोल होण दी डेडलाइन 31 मार्च 2014 है सो अमेरिका दे किसी भी शहर साडा प्रोग्राम देख रहे हो ओबामा केयर हेल्थ इंश्योरेंस कराने लई पंजाब इंश्योरेंस दे नंबर ते हुणे कॉल करो Maza, 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 maza
वेलकम बैक जी, स्वागत है एक बार फिर तुहाडे प्रोग्राम कुछ तेरिया कुछ मेरिया दे विच भी बड़ा मजा आ रहा है। फादर साहब नु याद किया जा रहा है ते समा ना जाया करते हुए मैं लेनी अगली कॉल। हेलो हेलो बन जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, की हाल है? बस ठीक, फटा प्रोग्राम बहुत अच्छा आया। थैंक यू। हाँ, मैं कई प्रोग्राम में मिस किते ने, कॉल कर रहा रहे, मेरी कॉल नहीं लगी, पर मैनू हाँ जी और असी थोड़ा जिदा दुआ दुआ प्रोग्राम सुनते रहे, कई कॉलर का असि सुनते रहे की कहते है ना। बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है। थैंक यू। तुसी की दसना चाहते हो? साडा डेडी सानू चाची दसदा हुंदा रहा कि कदे झूठ ना बोलो। ओके। झूठ नहीं बोलो किसी ना कुछ लिया या अगले नू इन्ना बहन जी इदा हुंदी आ। हुण मैं फते मैं कहना ना बहन जी मैनू $10 दियो तुसी देते, मोड़े नाले टाइम बंदा किदा सिट के जांदा अगले दे मोरे ना, कि अगले नू उन्ना थैंक यू कहो कि जिन्ना तुसी दित्ता या लैण आले टाइम अगले ते मंगिया। बिलकुल बिलकुल। हाँ, और झूठ नहीं बोलो। ओके। गुरु माता गुरु महाराज से विश्वास रखो, अपने रब से अपने रब से रखो। ठीक है। और वो सब झूठ बोल, हुण मैं तेनू झूठ एक गल बोलती, हो कई झूठ बोलने पेंदे ना। हाँ जी, एक नू लुकाउण लई 100 झूठ कहंदे, होर बोलने पेंदे। कदे कदे तुसी देखो तो तुसी इत्थे झूठ बोलिया कि भई ये गल वा, फिर ओनू दसनी पेंदी नहीं ये झूठ वा, ओनू कई गल्ला है, सच्ची गल दस दो कि भाई इदा हैगा ठीक हुआ है या। हाँ जी। बाबे ते विश्वास रखो। हाँ जी। इदा हैगा की कर सकता कोई भी बंदा किसे दा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अपना प्रोग्राम थोड़ा दा बहुत प्रोग्राम चंगा हुंदा। हाँ जी, अच्छा लगदा थोड़ा, वो दुई बहन जी दा प्रोग्राम भी मैं सुनदा हुंदा। हाँ जी। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगदा। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। ओके, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। लो जी, होर फोन कॉल्स लईए ते देखिए साडे अगले कॉलर्स की कहंदे ने। सत श्री अकाल जी। हां जी बेटा रे जी, आप जी नूं पहलो तां प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहानूं वी तहे दिलों प्यार भरी निघी सत श्री अकाल। हां जी हां जी हां जी हां जी बेटा रे, तां 2 दिनां बाद आई है। हां जी, पहलों तां वैसे ही चलो बड़ा प्यार आउंदा, तूं एवरीडे ही आया कर, 2 दिन मिस ना तूं करिया कर। हाय अंकल जी, घर दे काम कौन करेगा जे 2 दिन भी आ गई ते। दूसरी गल है बेटा, वेखो ए भी जिवें जीवन दी गड्डी है ना, दो पहिए ने मां ते बाप। हां जी, ठीक है, मां जरूर पालदी है पर बाप दा साया भी जरूरी है। बिलकुल। अज तो बहुत साल पहलो ला लो जिदे विच बाप ही सिर्फ कमाई करदा सी। हां जी। ते मां जेहड़ी ओ करदा काम सवारदी सी। हां जी। ते चौंके चुल्हे हुंदे सी ते बाप दी कमाई तो सारा टोरा टुटदा सी। बिलकुल। ते खास करके भावे बेटा अजे तक भी ए भावे कुछ भी आखी जांदे ने, धी दे पुत्तर दी अजे भी बरोबर कदर नहीं हुई। मां भी अजे कितें दोवें भैण भरा लड़ भी पई है ना निक्के हुंदे, ते मां भज के मुंडे नूं पहलो प्यार देगी, धी नूं बाद च देंदी है। ते अंकल जी, इस दे नाल नाल तां ही मैनूं पता नहीं, शायद परमात्मा ने बनाया इहो जिहा, वी कहिंदे ने जे मावां दा पुत्तां नाल ज्यादा हुंदा ते प्यो दा ऑटोमैटिकली धी दे नाल ज्यादा हुंदा। हां जी हां, है ना, क्योंकि वेखो ए नहीं, तुसी हुण आपदी जिंदगी च वेख्या ना, असीं पहलो तो लैके भी दस रहे हां, अज तक जे काम आईयां ने ते पुत्तां ने तां जमीन जायदाद बनाई है, ते मापियां नूं बुढ़े आके जे धक्के मारिया, धीआं ने फिर भी गल ना। बिलकुल बिलकुल बिलकुल। पर पता नहीं ये फर्क क्यों तुरिया आउंदा है, मैं तां इन्ना चिर समझदे रहे हां ਭਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਵਡੱਪਣ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵਡਿਆਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ 2 ਜਾਂ 3 ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਰਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਸਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਰਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਰੰਡੀ ਕਾ ਪੂਤ ਕਨਾਲੀ ਵੇ ਮੂਤ। ਵੀ ਰੰਡੀ ਦਾ ਧੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਵੇ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਖਰ ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲੀ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਹਣ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ
सही रूप दे विच प्रगट करते हैं तो कई उन्हों अंदर जाते हैं। बिल्कुल, तो यह गल भी ठीक है भी जे पुत्र भी होगा तो वह गंदे काम ही करेगा मापिया तो बिना उन्होंने प्यो तो बिना उन्होंने भी समझ नहीं आती। हाँ जी हाँ जी, भी मेरा सही असलियत सही मेरा मकसद घर न संबंधा कई तो जे जमदे इस तरह माप बापे मापे गुजर जा बाप गुजर जाए जो ओ हथ चो चाबिया आदि ने ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਕਰੇ ਉਹ ਧੂੜ ਵਾਂਗ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਜੇ ਘਰ ਸਵਾਰਦੀ ਸੀ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਚ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਕੜੀ ਆਪਦੇ ਚੂਚੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੋਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈ ਨਾ ਜਾਏ ਖੰਭਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਪਿਓ ਚੋਂ ਦਲੇਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾਏਗਾ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜੇ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿੜੀਤਿਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਚ ਕੁਛ ਵੇਖੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖੇਗੀ ਕੀ। ਸਿੱਖੇਗੀ ਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੀ ਚੱਜ ਆਏਗਾ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਈ ਅੰਦਰ ਤੜ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਝੀਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਚ ਬੇਟਾ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਣ ਪੂਰੀ ਕੁੱਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਲੋ ਰੀਤ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਪਤਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਵੇਖੋ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਲਚਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀ ਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਉੱਥੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੀ ਮਾੜਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਗੀ ਖਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨੀ ਮਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਗਏ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਗਵੀਚ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਚਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ 10 ਜਾਂ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਗਵੀਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨੀ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਟਾ ਸੂਲਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਸ ਬੰਨਾ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਨੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੂਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ।
किसी आखना कुत्ता मालक ने रखा हों का वस हों भौंकना चोर फिर भी लै जाते ने लुट के। हाँ जी साडे वर्गे तो हम रौला ही पाने वाले जोगे रह गए सुनते घट ने जिन्हें कुछ सुन लिया शायद कोई बच जाए असी थाने इना ही बड़ा नहीं अंकल जी बहुत कुछ मेनू बहुत कुछ सीखने मिल जाता है मैं बहुत कुछ सीख जानी हाँ जिहड़ियां चीजां कदी मैं सोचियां नहीं हुंदियां समझियां नहीं हुंदियां सुनियां नहीं हुंदियां अगर मैनू पता है मैं अपने होर फ्रेंड सर्कल च 10 बंदियां नूं दसूंगी सो कोई ना कोई ते अमल करेगा। हाँ ये गल ये तां बेटा 16 आने गल ने। हाँ जी सुनिया मन्निया। हाँ जी मन कीता पाओ बिलकुल सुन के जे मन लिया मन चो दा भय आ गया समझ लो उतर गया। हाँ जी हाँ जी चीज गुरबाणी तां आपां नूं इही आदेश दिंदी है ना। हाँ जी किसी दी सुनो किसी की गल से अमल करो ओनू दिमाग च पाओ शायद रब करे कोई ना कोई 1% भी तुसी कोई मनुखता दे विच सोझ लै आंदी किसी दे तुसी वाल ही इस तरह दस के रखाते किसी नू तुसी गुरु बाणी नाल ही जोड़ता किसी नू किसी होर गंदे कर्मां तो जोड़ता तां इह इह भी तुहाडे लई इक बहुत वड्डा परोपकार है तुहाडी इह बेड़ी है जिहड़ी तुहानू अंकल जी ने इना कुछ दस दिता आई नो कॉल थोड़ी जी लंबी हो गई सी पर इस सुनना और इस समझना और मेनू लगता सुनन और समझन तो बाद इस ते अमल करना हुण साडा फर्ज सीगा ते तुसी लो एक छोटा जा ब्रेक ब्रेक दे दौरान करोगे फेसबुक दा पेज गेट पंजाबी यूएसए कुछ तेरियां कुछ मेरियां केटीकेएम लाइक ते मैं लैके आनी एक छोटा जा ब्रेक पप्पू स्वीट्स वाह भाई वाह असी करते हाँ वेजिटेरियन अते नॉन वेजिटेरियन खाने भी केटरिंग मिठाइयां 3.99 अ पाउंड Always fresh buffet. Sitting capacity for 50 people. Occasion chai koi bhi hove. Yaad rakho Pappu Sweets. For more information, call Pappu Sweets. We are located at Major Intersection, William Parkway, Pressler Drive. ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਮੋਡੈਸਟੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਕਅਪ ਫ੍ਰੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੂੰ 209-404-84 ਪ੍ਰੀਤ ਫਰਨੀਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਅਨਾਉਂਸਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਮ ਐਂਡ ਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ ਫਾਰ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਬੈਡਰੂਮ ਕਿਡਸ ਰੂਮ ਆਫਿਸ ਫਰਨੀਚਰ ਐਂਡ ਮੋਰ By ready-made or custom-made, Preet Furniture can do it all. Te apni pasanda furniture kharido. Valinder Singh ji nu aaj hi call karo 718-849-4530 or 917-774-8566. Preet Furniture. Tax problem? No problem. Computex Inc. aao te apne taxan da masla suljao. Computex INC Business ate Personal Income Tax Asi payroll and certified payroll taxes MTA taxes workers compensation bookkeeping adi vi karde ha Computex INC har vele twadi seva de vich hazir hai 20 saalan da tajruba We cover all 50 states Asi Punjabi Urdu ate hor vi bhasha bolde ha Vadheri jankari layi sanu contact karo 718-371-5555 718-426-5695 अरे हुजूर सुबह सुबह इतना खूबसूरत तोहफा खास है रसो मलाई वाह देसी काजू के दानों से बनी दूध मलाई और मिठास हल्की सी काजू कतली बम्बई से लाई नहीं अंकल जी शामियाना मिठाई मेड इन अमेरिका शामियाना मिठाई मेड प्योर मेड फ्रेश मेड हियर मिराज बैंकेट हॉल एंड रेस्टोरेंट वेडिंग हो गई या बर्थडे पार्टी मिराज है परफेक्ट हर सेलिब्रेशन लिए मिराज इंडियन क्यूजिन विद प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी विजिटर्स लिए प्राइवेट पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है No sugar, no sugar. Pressure. शुक्रिया
लक्ष्मी लोअर GI वैल्यू बासमती राइस फॉर पीपल विद डायबिटीज आया है। अब दादाजी को थोड़ी तो वैरायटी मिलनी चाहिए ना खाने में। दादाजी, दाल चावल जैसी तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं, बस थोड़ी खीर भी मिल जाती तो। लक्ष्मी लोअर GI वैल्यू बासमती राइस है खास डायबिटिक्स के लिए। अब कम से कम लाइफ में खाने की खुशी मिलनी ही चाहिए ना। लक्ष्मी लोअर GI वैल्यू बासमती राइस, खास तौर पर डायबिटिक्स के लिए। अरे तुमने मेरे हाथ के पकौड़े नहीं खाए। तुम अपने आशिकों को छोड़ हमें मौका दोगी तब ना। लक्ष्मी लक्ष्मी, मांडवी तो मैं बनाती थी, स्पेशली गांव से देसी बेसन मंगवा कर। क्यों, यहाँ का बेसन नहीं चलता? यहाँ के बेसन में वो बात कहाँ। पर ये तो लक्ष्मी है, इनको लक्ष्मी के बारे में बताने की जरूरत नहीं। लक्ष्मी बेसन कहाँ मिलता है? आंटी जी, किसी भी इंडियन स्टोर में लक्ष्मी बेसन। मेड प्योर, मेड फ्रेश, मेड हियर। America's favorite fashion store, Sahil. Visit our showrooms in Chicago and New Jersey or online at www.sahil.com. Mystic Brokerage, tohadiya car insurance sambandhi zarurtaan da ikko ik solution. Jo karda hai tohadi budget, black cards, green cards te library vich. Apni insurance nu renew karwan to pehla ik vaar zarur milo. टैक्सी से लीमोजीन दे स्पेशलिस्ट मेडिलियन से फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। असी करांगे सेव तुहाडी मनी। किसी भी जानकारी ले कॉल करो 718-349-7610 ते। कांटेक्ट करो फरवरी 2014 दी इंडिविजुअल मेडिलियन ऑक्शन ले। ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है तुहाडा। तुहाडे प्रोग्राम कुछ तेरियां कुछ मेरियां। तुसी कहना भी रीत हर वारी तुहाडा प्रोग्राम कुछ तेरियां कुछ मेरियां। भी ऑब्वियसली जे फोन तुसी नहीं करोगे ते शो कंप्लीट नहीं हो सकता। जदों तक तुसी अपनियां गल्लां साडे नाल सांझियां नहीं करोगे तां वी शो कंप्लीट नहीं हो सकता। सो बणिया ना तुहाडा प्रोग्राम ते मैं लैनी अगली कॉल। हैलो, सत श्री अकाल सर, की हाल है? सब ठीक ठाक है, हमारा इसी मेरा। दसो की कहना चाहते हो? शुक्र मालिक की कृपा है, आप बुजुर्ग ने बड़ी गल गल बहुत ही कम दिया गल। हाँ जी, बहुत ही चंगी गल। हर पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के नाल सानू हर चीज की जरूरत है। बिलकुल, जिदा हम एक जिस बच्चे का ना पी नहीं है या मां नहीं है, ओनू पुछ के दसो इस बाप की बुकत की है, वैल्यू की है। बिलकुल, या बैली नु उस चीज उस टाइम पता लगता है, जो किसी का मां बाप को खुश जाता है तो उस चीज की वैल्यू पता लगता है कि बाप की वैल्यू की है, मां की वैल्यू की है। हाँ जी, जो चीज बाप ने अपने पुत्र नु समझा देनी है, ना चाचा समझा सकता, ना ताया समझा सकता, ना मामा, ना होर कोई। बिलकुल, एक रिश्ता ही ऐसा आ कि जरा हमेशा लिख देना, लिख लिख देना, लिख जोड़ के रखना है। हाँ जी, बाकी रही सतगुर, जिथे वाहेगुरु परमात्मा बंदे नु रखना चाहता है तो ओ बंदे नु परमात्मा उस जगह ते रखता है। असि अगर घर दे विच अपने माहौल नु परमात्मा दे पासे ला लईए तो अपने सारे बच्चे का माहौल उतनु बिगड़ना बदलना शुरू हो जाता है। बिलकुल, जे असि घर दे विच शराब वगैरा जां मीट वगैरा जां होर ते शुरू कर दईए तो उस घर दे विच ओही काम शुरू हुंदा कि मेरे बाप दादा भी यही करदे आ तो मैं भी नाल यही काम करा। हां जी, सब तो चंगी गल तो यह है कि आप परमात्मा दे लड़ लगी जिन्ने भी कोशिश करके जिन्ने भी लग सकते हैं जिन्ना परमात्मा तक नेड़े जावांगे भगती करांगे नाम लवांगे तो हमेशा सुख आऊगा। हाँ जी, तुहाडी अंदरूनी आत्मा तुहाडा मन जिहड़ा हमेशा खुशहाली उस पासे जाऊगा। हाँ जी, पैसा सानू जरूर चाहिदा, काम जरूर करने पैणे आ, पर पैसे दे नाल तुहानू अपनी अंदरूनी खुशी भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, कोई फायदा नहीं हैगा उस पैसे दा जेकर तुसीं अंदरों खुश नहीं हैगे ते। अंदरों खुशी तदे बंदा हुंदा है जदों परमात्मा दे लड़ लगदा है। हाँ जी, परमात्मा दा नाम लैंदा है, परमात्मा दा सिमरन करदा है। हाँ जी, उस तों इलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जदों कसे परमात्मा दे नाल लड़ लग के रहे चुकी खुशी दे समय। हाँ जी, पैसे दी खुशी थोड़ी देर टाइम, लीडरी दी खुशी थोड़े टाइम दे समय, बदमाशी दी खुशी थोड़े टाइम दे,
या होर गलत काम जी खुशी चंद मिनटा वास्ते होंगी है पर जी परमानेंट खुशी थोड़े अंदरूनी मिलती है परमात्मा लड़ लगे मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल वाहगुरु भला करे सब परमात्मा लड़ लगन तो बढ़िया है जिस कुछ भी कोई धर्म का अपने धर्म के ना रह के ना आवे चाहे कोई किसी धर्म का भी है परमात्मा सब का भला करे आप तो यही कह रहे पुत्र। थैंक यू सो मच सत श्री अकाल। लो जी बहुत एक छोटा जा वर्ड दिता सी पर किन्ना कुछ सीखने को मिल गया ना समझ आया नहीं करती मैं अगली कॉल लेनी है। हेलो हेलो सत श्री अकाल जी थोड़ी कॉल लग गई है। हेलो हेलो जी सत श्री अकाल जी कौन गल कर रहे हो जी? मैं गुरदेव सिंह बोल रहा जी लॉस एंजलिस तो। हां जी सर की कहना चाहते हो? हां जी हेलो हां जी हां जी तुसी टीवी का वॉल्यूम कट करके फोन ते गल करो प्लीज। टीवी ते नहीं देखो टीवी ते थोड़ा जा डिले होके आंदा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हां जी मैं गुरदेव सिंह बोल रहा लॉस एंजलिस तो। हां जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੀਰਥ ਤੀਰਥ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ तीरथ तेरे कर बंदिया सब तो वड्डा तीरथ सेवा माई बाप दी कर बंदिया सब तो वड्डा तीरथ सेवा जग जननी दी कर बंदिया मां बाप दे मार के ठेडे तू तीरथ तुर जामे पाप तारन जामे सिर ते दूने पाप चढ़ावे पाप तारन जांदा सिर ते दूने पाप चढ़ावे सच्चे मन नाल कर ले सेवा सच्चे मन नाल कर ले सेवा जान के बेड़े तर बंदिया सब तो बड़ा तीरथ सेवा माई बाप दी कर बंदिया जिसने जगत दिखाया उसनू भुलना रब तो डर बंदिया सरबन भगत ने कीती सेवा सारी दुनिया कहिंदी बुढ़े मापे बिच बिठा के मोढे चुक लई बैंगी बुढ़े मापे बिच बिठा के मोढे चुक लई बैंगी। बहुत अच्छे सर माफी चाहांगी बहुत वधिया पर तुसी होल्ड ते रहो ठीक है होल्ड करियो एक सेकेंड। अच्छा होल्ड करियो। लो जी भाई मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के माफी चाहनी हां भाई इन्ना सोना वधिया गाना जेड़ा सी सुन रहे सी पर प्रोग्राम दे समय दी काट दे कारण पूरा नहीं कर सके सो अखीर दे विच करांगे दुख सुख सांझे मनावांगे खुशियां बेहिसाबी रोज वेखो एक तो दो गेट पंजाबी। सत श्री अकाल। अपनी बोली अपनी पहचान पंजाबी हर में मसाला हाउस इंडियन फास्ट फूड एंड ग्रोसरीज वी हैव फ्रेश प्रोड्यूस एंड फ्रेश फूड असी हर ओकेजन लाइक केटरिंग करते हैं केटरिंग स्पेशल $4.99 अ पर्सन फॉलो अस ऑन फेसबुक एट मसाला हाउस वी आर ओपन 7 डेज अ वीक 10 AM टू 9 PM For more information, call Anu Sagar at 951-735-8457, 951-314-9669. We are located at 6993 Hamner Avenue, Eastville, California. Tandoori Garden Restaurant and Banquet Hall, authentic Indian restaurant, just 2 miles from Disneyland Park. Ethe tusi le sakde ho Punjabi tandoori khane da swaad.
साड़ी स्पेशलिटी बटर चिकन ते पंजाबी नान नाल ही अवेलेबल है। लंच बुफे